नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका जीत रिव्यू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और इसे पूरा देखोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम सीखते हैं इंडियन सीसी 2018। दोस्तों, अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज से हम क्लास चालू कर रहे हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या सीखना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पब्लिकेशन हाउस और इंटरनेशनली मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छे से टैक्स लेआउट करते हैं और बुक डिज़ाइन, कैटलॉग, ब्रोशर काफ़ी अच्छे से ये हैंडल कर लेता है सॉफ्टवेयर, और हैं बिना हैंग किए हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हो, यहाँ से न्यू ले लेते हैं, ठीक है, या क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके का हमारा एक पैनल ओपन हो जाता है। दोस्तों, ये हमारा रिसेंटली जो हमने साइज यूज किया है वो सारे साइज हैं, और यहाँ से हम नए साइज बना के सेव कर सकते हैं। और ये प्रिंट मीडिया में जो भी हमारी साइज होती हैं इंटरनेशनली, वो सारे हैं दोस्तों, ठीक है, बेब मोबाइल बेब, ये साइजें हैं, ठीक है। और फिलहाल हम A4 पे क्लिक कर देते हैं। देख लो, यहाँ पे A4 का साइज हमारा ले लिया है। और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देना या फाइल का नाम कह सकते हो, तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से विड्थ चेंज कर सकते हो, यहाँ से हाइट, ये देख सकते हो पोर्ट्रेट, और ये लैंडस्केप। फिलहाल हम पोर्ट्रेट में ही रहने देते हैं। ये हमारा पेज होता है दोस्तों, यहाँ 200, 250, 300 भी पेज ले सकते हैं, फिलहाल हम 5 लेते हैं। फेसिंग पेज दोस्तों, अगर बुक डिज़ाइन करते हैं या कैटलॉग डिज़ाइन करते हैं या बुकलेट बनाते हैं तो ये फेसिंग पेज ऑन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारा कवर जो होता है वो फ्रंट पे दिखता है और बैक हमारा सिंगल बिल्कुल बैक में चला जाता है, और जो इनिशियल पेज होते हैं वो आमने सामने आते हैं, जिससे हमें डिज़ाइन करने में काफ़ी आसानी होती है। और ये कॉलम होता है दोस्तों, कॉलम आपने देखा होगा दोस्तों, एक ही पेज पे 2 कॉलम 3 कॉलम में डिज़ाइन होता है, तो यहाँ से हम 3 कर देंगे तो 3 कॉलम बन जाएगा। फिलहाल हम आप बना देते हैं, यहाँ से 3 कॉलम बना दिया आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ से 2.5 मार्जिन, गटर मार्जिन रख देते हैं, ठीक है, ये मार्जिन, ठीक है, ये मार्जिन है 0.5, ठीक है, और ये ब्लेड, ठीक है, ब्लेड 3 mm, ठीक है। स्लगन अभी वैसे रहने देते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ये देख सकते हो, ये ओपन हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और नीचे जाते हैं, ये देख लो, ये सपोज करो हमारा कवर पेज हो गया, ठीक है, और ये हमारा इनिशियल पेज हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा बैक हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फेसिंग पेज। और हम यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट सेटअप, ठीक है, और यहाँ से ये फेसिंग पेज हम हटा देंगे। देख सकते हो यहाँ इस तरीके का ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो दोस्तों कैसे ओपन हो रहा है 1 by 1, ठीक है। तो फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं और आपको सारे टूल्स बता देते हैं। ये देख सकते हो यहाँ से ये हमारा, ये हमारे कॉलम बन गया है दोस्तों, ठीक है, जो हमने कॉलम 3 कॉलम लिया था। और ये हमारा मार्जिन है, जो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा जो एरिया बन रहा है दोस्तों, ये हमारा मार्जिन है, और ये जो आ रहा है ये हमारा ब्लेड है, ठीक है दोस्तों। और इसको कलर कर देता हूँ जिससे आपको पता चले, देख सकते हो। अगर हम कोई लेआउट करेंगे तो ये जो हमारा मार्जिन है, इस मार्जिन के अंदर जो ये हमारा गाइडलाइन आ रहा है या मार्जिन कह सकते हैं, इसके अंदर ही लेआउट करेंगे हम, चाहे 1 कॉलम में या 2 कॉलम में, जैसे भी हमें लेआउट करना है इसके अंदर ही होना चाहिए टैक्स, ठीक है। और ये है हमारा गाइडलाइन, ठीक है दोस्तों, ये गाइडलाइन किसी चीज़ को गाइड करने के लिए हम लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेने हैं,
चाहे आधे पे कर लो। और ये दोस्तों हमारे टूल्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पैनल हैं, और ये हमारे मेन्यू बार होते हैं दोस्तों इस तरीके के। इन सब के बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। और ये हमारे प्रॉपर्टी बार हैं, जो भी हम टूल्स हम सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर देती है, ठीक है। और ये हमारा प्री फ्लाइट प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे अभी नो एरर शो कर रहा है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये एरर बताता है जिसमें लिंक मिस कर रहा हो या फॉन्ट मिस कर रहा है या आपका टेक्स्ट किसी फ्रेम में छिप रहा हो या ओवरफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे रेड आ जाएगा और यहाँ पे सारी चीज़ें बता देगा। इस पर क्लिक करते ही आपको बता देगा क्या क्या मिस है, क्या क्या आपका ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ से आप उसको जाके ठीक कर सकते हो, ठीक है। और सपोज करो ये आपका पैनल ऐसे इधर उधर हो गया है, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अपने तरीके से वन बाय वन कहीं सेट भी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है कि नहीं हमारा जैसा था वैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ विंडो में जाइएगा और यहाँ पे वर्क पेस, ठीक है, और यहाँ पे रेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, अपने आप जैसा था वैसा यहाँ पे सेट हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो सेट हो गया है। और ये देख सकते हो ब्रिज है, ये हमारा सर्च एडोब स्टॉक है दोस्तों। एडोब का अपना खुद साइड है जहाँ से इमेज हम ले सकते हैं, बहुत इमेज फ्री में देता है और बहुत सारी पेड इमेज देता है, ठीक है। और ये हमारा होता है जो हमारा ये दिख रहा है व्यू, इसको 100% या 70% कितने में आपको देखना है, जो आपके लिए सूटेबल हो उतना परसेंट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये व्यू ऑप्शन होता है, स्क्रीन मोड और अरेंज डॉक्यूमेंट, ठीक है, और इसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। ये कस्टमाइज पैनल होता है दोस्तों, यहाँ से जो चाहो वहाँ हटा सकते हो, जो यहाँ पे नहीं दिखेगा दोस्तों। तो फिलहाल हम कोई नहीं हटाते हैं और इसको वैसे ही ओके कर देते हैं, ठीक। दो टूल्स का हम रिव्यू कर देते हैं दोस्तों फिलहाल इसी वीडियो में। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल एक ले लिया दोस्तों, ठीक है, इसमें कलर फिल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये सिलेक्शन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी को उठा के कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये देख सकती हूँ डायरेक्शन सिलेक्शन टूल, ठीक है, ये इस तरीके का काम करता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके और उसी पॉइंट को ये ऊपर नीचे करता है और किसी को नहीं कहीं भी हिलने देता है किसी को भी। ये देख रहे हो बॉक्स सा बन रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे कहीं भी, देख सकते हो जैसे भी आप आर्टवर्क बनाना चाहो ये बन जाएगा। यहाँ से किसी भी पेज पे जाना चाहते हो जा सकते हो, ठीक है। ये मास्टर पेज होता है, मास्टर पेज के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये ओवरव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।